चलिए आज हम अपनी साड़ी ड्रेपिंग को ले चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे और सीखते हैं कि इसको प्री स्टिच साड़ी की तरह कैसे पहने। हालांकि आपकी साड़ी प्री स्टिच नहीं होगी, लेकिन ये चीज सिर्फ आपको पता होगी। सामने से देखने पे वो बिल्कुल प्लीटेड और प्री स्टिच साड़ी ही लगेगी, काफ़ी हाई फाई लगेगी। तो सबसे पहले आपको पहनना है अपनी शेपियर पेटीकोट, वो भी सीधा साइड से नहीं, उल्टा साइड से और हाई वेस्ट करके। अगर इसको हाई वेस्ट करने में आपकी पेटीकोट की लेंथ नीचे से कम लग रही है ना, तो आप एक्स्ट्रा पेटीकोट इसके ऊपर पहन सकते हो, लेकिन शेपियर नहीं पहननी, आप कॉटन वाली पहन सकते हो। अब हमें साड़ी ऐसी लेनी है जिसकी फैब्रिक पतली हो, तो मैंने जॉर्जेट की ली है। अगर आप कोई ऐसी फैब्रिक लेते हो जो काफ़ी मोटी है, तो प्लीट बनाने के बाद वो काफ़ी फुला फुला दिखेगा, और फिर जब हम इसमें बेल्ट देने की कोशिश करेंगे ना, तो वो ठीक से नहीं बैठ पाएगा। तो इसीलिए आप चाहो तो मेरी तरह जॉर्जेट ले सकते हो, या शिफॉन, या फिर सैटन या क्रेप भी ले सकते हो आप। अब हमें सिंपली क्या करना है कि जहाँ पे हम अपनी साड़ी बांधते हैं ना, मतलब जब हम इसको टक करते हैं, तो हमें टक नहीं करना है, हमें साड़ी को बांधना है अपनी राइट साइड पर, और लेंथ हमें यहाँ पे देख लेना है नीचे की तरफ, जितनी हमें रखना है वो है या नहीं, उस हिसाब से साड़ी फोल्ड कर लीजिएगा आप एक बार, और फिर इस पर नॉट लगा लीजिएगा। अब हमें इसका जो पल्लू का साइड है उसको रफली गैदर करना है, देन शोल्डर पे रखकर हम अपनी पल्लू की लेंथ पहले निकाल लेंगे। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप चाहते हो साड़ी में आपकी हाइट थोड़ी टॉल दिखे, तो हमेशा जो पल्लू की लेंथ है ना, वो आप घुटने से नीचे तक रखिएगा। और क्योंकि ये हम उल्टा पल्लू ले रहे हैं, तो हमें इसको अपनी लेफ्ट साइड के शोल्डर पे ही रखना है। चलिए अब हमें करना क्या है कि कमर के पास जो हमारी प्लीट आती है, वो प्लीट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ठीक है, जितना भी फैब्रिक हमें लगता है कमर की प्लीट बनाने के लिए, वो मैंने ऐसे मेज़र कर लिया, और इसको हम साइड कर देंगे। अब हम अपनी राइट की साइड से ना अपनी सेंटर प्लीट बनाना शुरू करेंगे। सेंटर प्लीट बनाने के लिए आप अपनी राइट की उंगलियों को फैब्रिक पे सेट कीजिए, एंड देन इस तरीके से बनाने की कोशिश कीजिए। तो जो लोग मेरी वीडियो काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, आई होप वो लोग तो सीख गए होंगे प्लीट बनाना, बट अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मेरी उंगलियों पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ें आप खुद सीख जाओगे। और अगर इस वक्त आपके आसपास कोई ऐसी फैब्रिक है जिस पे आप प्लीट बनाना सीख सकते हो, तो वीडियो में जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सिंपली आपको वही करना है। अब हमें राइट की फर्स्ट प्लीट को चौड़ा करना है, देन हर एक प्लीट्स के बीच में एक गैप मेंटेन करते हुए इसको हमें टक कर देना है। टक करने के बाद फैब्रिक हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हमें एक सेंटर प्लीट के पास एक पिन लगाना होगा, ताकि ये परमानेंटली ऐसे सिक्योर हो जाए। अब हम यहाँ पे अपनी कमर वाली प्लीट भी बना लेंगे, ताकि एक अच्छी शेप मिल जाए हमें। तो कमर की प्लीट बनाने के लिए हमें सिंपली अपने इस फैब्रिक को प्लीट के नीचे से राइट की साइड पे बाहर निकालना है, देन इसको ट्विस्ट करना है और टक करना है। यहाँ पे आप चाहो तो अपने ये ट्विस्ट की हुई फैब्रिक पे पिन लगा सकते हो, और चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर से जब हम इसके ऊपर कवर करेंगे ना हम अपनी बेल्ट, तो वो वैसे भी वहाँ पर वो सिक्योर हो जाएगा। अब हम साड़ी से मैच करता हुआ कोई सी भी बेल्ट लेंगे, बेल्ट लेकिन आपकी फैब्रिक की होनी चाहिए, मेटल वाली बेल्ट यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो अब इसको हमें उल्टा करके इस तरीके से अपनी जो हाई वेस्ट करके हमने जो पेटीकोट पहना था ना, उसके ऊपर लगाना है, एंड देन इसमें हमें लगाना है सेफ्टी पिन। आप चाहो तो एक धागे की सिलाई भी यहाँ पर कर सकते हो, अगर आप कम्फर्टेबल हो तो। तो यहाँ पे सिर्फ टेम्प्ररी के लिए मैं पिन लगा ले रही हूँ, लेकिन अगर आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हो इस तरीके से बेल्ट लगाकर, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक धागे की स्टीच डाल दीजिएगा, वो काफ़ी बेटर दिखेगा। तो आप भी यहाँ पे पिन लगाइए, ये ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि आप एक धागे की स्टीच डाल दीजिएगा, इससे काफ़ी बेटर ये आपको लगेगा। और उसके बाद जब हम इसको ऐसे सीधा करके उसके ऊपर डालेंगे ना बेल्ट, तो ये बिल्कुल स्टिच किया हुआ दिखेगा, और पीछे की साइड से हम इसको बिल्कुल टाइट करते हुए बांध देंगे।
बॉटम साइड तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सेट हो चुका है। अब शोल्डर पे अगर आपको लेना है फ्री पल्लू स्टाइल तो आप ले सकते हो, लेकिन प्लीट्स अगर बनाना है तो आपको ये कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। सिंपली पहले तो आप जो पल्लू में नॉर्मली प्लीट्स बनाते हो ना, वैसे आप बना लीजिए। अब जितना भी आपको पल्लू लेंथ रखना है उस हिसाब से आप इसको पकड़ लीजिए और फिर हल्का सा आपको कमर के पास ना इसको ढीला छोड़ना होगा और फिर यहाँ पे पिन लगाना है। अब बेल्ट के ऊपर जो आपकी हिप प्लीट वाली फैब्रिक अगर ऐसे लेयरिंग में आ रही है तो इसको आप इस तरीके से नीचे की तरफ कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपनी रनिंग साड़ी को बिल्कुल दिखा सकते हो अपनी बेल्ट लगी हुई फ्री स्टीच साड़ी की तरह। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे ढेर सारी मोटिवेशंस मिलती हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।